सोहेटिकीज कैसे हो आप सभी लोग। 50,000 का जो बजट रेंज है एक परफेक्ट बजट रेंज है किसी भी अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए, और इस बजट रेंज में आपको एप्पल, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, आईक्यू, रियलमी और एमआई के एकदम अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। और इस वीडियो में मैंने आज आपके लिए कुछ जबरदस्त स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया है जहां पे आपको जितनी भी स्पेसिफिकेशन मिलने वाली वो एकदम तगड़ी देखने को मिल जाएगी। अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर, फ्लैगशिप लेवल का कैमरा, फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशन और जितने भी स्मार्टफोन को मैंने रखा है वो सारे के सारे स्मार्टफोन अपनी कंपनी की तरफ से आने वाले सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है और जिन्हें एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको भी कोई ऐसा ही फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन चाहिए था 50,000 के बजट में, तो मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 50,000 जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन को सेलेक्ट कर पाए। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है वीवो की तरफ से वीवो X80। बहुत ही रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ था, टॉप नॉच लेवल के कैमरे की क्वालिटी के साथ आता है, टॉप नॉच लेवल के डिजाइन के साथ आता है जहां पे आपको 3D कर्व डिस्प्ले मिल जाएगी, टॉप नॉच लेवल के स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। तो अगर आपको 50,000 के बजट में कोई सा एक बेस्ट वीवो का स्मार्टफोन चाहिए था तो आप X80 के साथ जरूर जा सकते हैं। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी 6.78 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली E5 AMOLED डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है, 3D कर्व डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। बात करें प्रोसेसर की तो यहां पे आपको MediaTek का Dimensity 9000 वाला एक पावरफुल फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको दूसरी चिप Vivo की V1 Plus चिप देखने को मिल जाती है जो कि आपको डिस्प्ले की क्वालिटी और कैमरे की क्वालिटी इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करने वाली है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन Android 12 पे आता है, फंटच OS 12 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है सुपर फास्ट 80 वोल्ट के फ्लैश चार्जिंग को। बात करें कैमरे की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सोनी का सेंसर यूज किया गया है, दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का और तीसरा कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स मिल जाते हैं, OIS का सपोर्ट दिया गया है, 360 डिग्री तक का होराइजन लेवलिंग स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, ज़ाइस के ब्रांडिंग दी गई है, ज़ाइस का सिनेमेटिक बोके मोड, ज़ाइस का नेचुरल कलर देखने को मिल जाएगा। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स के तो यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलने वाले हैं, एक्स-एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर है और अल्ट्रा लार्ज लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। LPDDR5 की रैम मिल जाती है, UFS 3.1 की स्टोरेज है और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 54,999 रुपीज में। हालांकि प्राइसिंग 50,000 से ज्यादा है, आप बैंक ऑफर में या फिर स्पेशल ऑफर में परचेस करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको आराम से अंडर 50,000 में मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। तो दोस्तों अगर आपको 50,000 के बजट में कोई सा एक बेस्ट सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए था तो आप सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S21 FE को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी सपोर्ट मिल जाएगा, कोर्निंग के गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट दिया गया है। बात करें प्रोसेसर के तो यहाँ पे आपको सैमसंग का ही एक्सिनोस 2100 वाला एक पावरफुल फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है और MIUI 4.1 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 25 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को। बात करें अगर कैमरा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस है। फ्रंट में भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप 4K तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, 3X तक ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट मिल जाएगा, 30X तक स्पेस जूम का सपोर्ट है और सुपर स्लो मोशन पे वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी दिया गया है। AKG की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाता है, IP68 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट वाला सर्टिफिकेशन है और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 49,999 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है एप्पल की तरफ से iPhone 12। तो दोस्तों अगर आपको 50,000 के बजट में कोई सा एक बेस्ट एप्पल का स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पे आपको हेवी गेमिंग करनी है, कॉम्पिटिटिव खेलना है, व्लॉगिंग करनी है या फिर प्रो फोटोग्राफी करनी है तो एप्पल की तरफ से एप्पल iPhone 12 वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। ये एक OLED ट्रू टोन पैनल है, 7.4 mm की थिकनेस मिल जाती है। बात करें अगर प्रोसेसर की
होगी तो यहाँ पे आपको एप्पल का ही A14 बायोनिक चिप देखने को मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन iOS 15 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 2775 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 20 वॉट के फास्ट चार्जिंग को। इनबॉक्स आपको कोई भी चार्जिंग अडैप्टर नहीं मिलने वाला है। बात करें अगर कैमरे की तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और दूसरा कैमरा 12 MP का वाइड एंगल शूटर। फ्रंट में भी आपको 12 MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में OIS का सपोर्ट मिल जाता है। 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑटो इमेज स्टेबलाइजेशन, सिनेमेटिक वीडियो स्टेबलाइजेशन जैसे ऑप्शन भी दिए गए हैं और सुपर स्लो मोशन पे वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। IP68 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट वाला सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 4GB रैम प्लस 64GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 52,900 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर सेकंड पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है आइको की तरफ से IQ90। बहुत ही रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है और अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर के साथ आता है, जहां पे आपको अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको इस बजट में कोई सा एक बेस्ट पावरफुल और गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो आइको की तरफ से IQ90 को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। और IQ Vivo का ही सब ब्रांड है तो यहाँ पे आपको कैमरे की क्वालिटी भी एकदम जबरदस्त देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एक E5 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 1500 nits की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको Qualcomm का Snapdragon 8 Plus Gen 1 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि 4 nanometer के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। V1 Plus चिप भी देखने को मिल जाती है जो कि आपको डिस्प्ले की क्वालिटी, गेमिंग और फोटोग्राफी में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। 4700 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 120 वॉट के सुपर फास्ट फ्लैश चार्जिंग को। बात करें अगर कैमरा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50 MP का है, दूसरा कैमरा 13 MP का वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा 12 MP का पोर्ट्रेट शूटर है। फ्रंट में भी आपको 16 MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, उसके साथ साथ बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स मिल जाएंगे। बात करें अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले डुअल मॉन्स्टर टच देखने को मिल जाता है। वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम है। X-axis लीनियर वाइब्रेशन मोटर है और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं। LPDDR5 की रैम मिल जाएगी। UFS 3.1 की स्टोरेज है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वो आपको देखने को मिल जाएगा 49,999 रुपीज में। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है OnePlus की तरफ से OnePlus 10T। तो दोस्तों अगर आपको 50,000 के बजट में कोई सा एक बेस्ट OnePlus का स्मार्टफोन चाहिए तो आप OnePlus की तरफ से 10T को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ था, अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर के साथ आता है और जितनी भी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है वो भी एकदम तगड़ी दी गई है। अगर आपको कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला OnePlus का स्मार्टफोन चाहिए तो आप OnePlus की तरफ से 9 Pro के साथ भी जा सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं OnePlus 10T के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। कोर्नी के गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट भी दिया गया है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको Qualcomm का Snapdragon 8 Plus Gen 1 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन Android 12 पे आता है और ऑक्सीजन OS पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। 4800 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है अल्ट्रा फास्ट 150 वोट के सुपर वोक फास्ट चार्जिंग को। बात करें अगर कैमरे फीचर्स की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50 MP का है, सोनी का IMX766 वाला सेंसर है, दूसरा कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा यूजलेस 2 MP का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 16 MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है। 4K तक की वीडियोस को 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। सुपर स्लो मोशन पे वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी दिया गया है। उसके साथ साथ बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स भी हैं जैसे कि नाइटस्केप 2.2, अल्ट्रा HDR, स्मार्ट सीन रिकॉग्निशन जैसे। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलने वाले हैं। हाइपर बूस्ट गेमिंग इंजन दिया गया है। LPDDR5 की रैम मिल जाएगी। UFS 3.1 की स्टोरेज है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 49,999 रुपीज में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स जिनके प्राइसिंग आपको 50,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। सारे के सारे स्मार्टफोन अपनी कंपनी की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।